हाउ आर यू गाइस? मेरी आंखों में काजल कभी नहीं रहता है. कभी भी मैं किसी भी तरह का काजल लगाती हूँ, चाहे वो ब्लैक हो या कोई और कलर का हो, वो यूजुअली मेरे आंखों में से निकल जाता है. निकल जाता है से मेरा मतलब है कि वो पूरा फैल जाता है. मैं आपको पोस्ट बताने वाली हूँ कैसे मेरी आंखें पैंडा आइज बन जाती है, इतना नीचे तक. स्मॉल लिटिल ट्रिक जो यूज़ करके मैंने ये काजल लगाया है. ऑब्वियसली अगर आपको जानना है तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है, बट मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया. सो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको ये एक काजल पेंसिल लगेगी. आप जेल यूज़ कर सकते हो, आप जेल लाइनर यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको लगे वो आप वो यूज़ कर सकते हो. अब इसके साथ मैंने आपको दो ब्रश के ऑप्शन बताया. ये थोड़ा सा मोटा आई लाइनर ब्रश है, जो बहुत ज़्यादा फ्लफी नहीं है, ये बहुत थिक है, तो ये मेरा फेवरेट है. बट अगर आप आईब्रो ब्रश ऑलरेडी यूज़ करते हो तो मैंने इस ब्रश के साथ भी आपको ऑप्शन बताया है कि ये कैसे कर सकते हैं. और हमारा एवरसो ट्रस्टी मेबलिन का न्यूड्स पैलेट. एंड बिफोर यू गो एनीवे, ये मेरा बैक टू बेसिक सीरीज का वीडियो है. अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने बैक टू बेसिक्स की सीरीज बनाई है, जिसमें मैं सारे बेसिक स्टफ बता रही हूँ, लाइक आईलाइनर, मस्कारा कैसे लगाते हैं, आईब्रोज कैसे करते हैं, बेसिक फाउंडेशन कैसे लगाते हैं, लिपस्टिक का अब तक मैंने बनाया नहीं है, वी लुक एट दैट. बट ये है कि हम काजल कैसे लगा सकते हैं, जिन लड़कियों को काजल लगाना पसंद है. मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बट अगर आपको पसंद है और आप चाहते हो कि वो ज़्यादा टिके आपकी आँखों में, तो वो कैसे लगाते हैं वो ट्रिक है. मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है बैक टू बेसिक्स. या एब्रप्ट एंडिंग. एनीवे, तो हमें सबसे पहले अपनी वाटर लाइन पे काजल लगाना है. एंड हियर इज़ अ ट्रिक इनसाइड अ ट्रिक. मैं अपनी आँखों को नीचे खींचना नहीं पसंद करती हूँ, इसीलिए जैसे कि आपने देखा मैं उसको पुश करती हूँ इस तरह से, सो दैट काजल वाटर लाइन पे अच्छे से लग भी जाए और मुझे ज़्यादा रिंकल्स ना आए इन द प्रोसेस. नाउ अगर इस तरह से मैं इसको छोड़ दूँगी तो ऑब्वियसली मेरी आँखें बुरी रकूनिश हो जाती है. इसीलिए मेबलिन न्यूड्स पैलेट में से या किसी भी तरह का ब्लैक आई शेडो लेकर आपको अपने काजल को इस तरह से स्मोकी करना है और बेसिकली काजल के ऊपर आपको ये लगाना है. नाउ ये वाला मेरा फेवरेट ब्रश है. इससे पहले मैंने बताया कि आईब्रो ब्रश से कैसे लगा सकते हैं, बट एज यू कैन सी ट्रिक बहुत सिंपल है. आपको सिर्फ उस पर आई शेडो लेकर उसको प्रॉपरली पैक करना है. इससे होता यह है कि काजल फैलता नहीं है. सो या दैट्स अबाउट इट, दैट्स हाउ यू डू इट. नाउ अपनी आँखों को और अच्छा दिखाने के लिए और पॉपअप दिखाने के लिए यू कैन यूज़ कंसीलर एंड कंसील योर डार्क सर्कल्स. मुझे बहुत सारे हैं इसीलिए मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ. अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं हैं तो आप ना यूज़ करें. बट आई थिंक मस्कारा डेफिनेटली ब्रिंग्स आउट, इट लाइक गिव्स एन उम्फ टू योर आईज. सो डेफिनेटली ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट मस्कारा है. मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हो. एंड या दैट इज़ माई small little cute back to basics video on how to put coal. अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस शेयर करो अगर आपको पसंद आ रहे हैं. अगर नहीं आ रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं क्या बेटर कर सकती हूँ. एंड या लेट्स बी फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. आई एम जबीन सारंग एवरीवेयर. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.